सब अपने उस बेटे के इंतजार में ये जानते हुए थे कि उनका बेटा कभी वापस नहीं लौटेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शशि के पिता की तस्वीर है, शशि अबरोल के पिता, जो ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अंतिम संस्कार वाली जगह पर स्मशान घाट पहुंचे और अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कल हमने देखा था कि वो उदास बैठे थे, शांत बैठे थे, लेकिन अपने आप को संभाले हुए थे। लेकिन आज उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी वो देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है, कलेजा फट जाता है। डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे, जावेद डार भी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें आप पार्थिव शरीर को स्मशान घाट तक ले जाए जाने की देख रहे हैं और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। गम, गुस्सा, गर्व तीनों देखने को मिला और मांग इसी बात की उठी कि केंद्र सरकार से कोई एक्शन हो, कोई ऐसा एक्शन हो कि आतंकियों की रूह कांप जाए। कुछ ऐसा करने की हरकत करने से सोचने से पहले ही उनका कलेजा ये सोचकर कांप उठे, ये डर उनके अंदर घर कर जाए कि भारतीय सेना है, घर में घुस के मारने के लिए जानी जाती है, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा आतंकियों को। ऐसा ही कुछ मंजर हमने जम्मू कश्मीर की सड़कों पर भी देखा था, जब तमाम संगठन और तमाम लोग पहुंचे थे, इस बात की मांग को उठा रहे थे कि पाकिस्तान की ओर से जो कायराना हरकत की जाती है उस पर लगाम लगाया जाए, कड़ा एक्शन लिया जाए। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया था कि ये जो टारगेटेड किलिंग है इसको लेकर पुलिस के पास फ्री हैंड है, सेना के पास फ्री हैंड है, जो करना है करे, जिस तरीके से आतंकियों को नेस्तनाबूद करना है किया जाए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक परिवार की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, जावेद डार